नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं। मजीद तलाशी लेनी है सालार साहब? सर मैं खुद यहाँ आया था, आप यकीन करें ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे स्कूल है आप। तुम्हें दिमाग के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, पागल हो गए तुम, बिल्कुल पागल। काम की बात करो वरना यहाँ से चलते बनो। यही कहा मेरी कौन मेरी बीवी कहा है? कम से कम हजारों लड़कियां एक और वदीमा बनने से बच जाएं। मैयत बस में औरत का क्या काम है? साहब मेरे शौहर है, भरी जवानी में मर गए, वाली बरस भी नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है इसका। तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे पास तुम्हारे मिर्जा और तुम्हारे सारे दोस्तों के खिलाफ ऐसा सबूत है जो तुम सबको साथ में ले आएंगे। नहीं मैं ऐसे ही कह रही थी, आओ चलो लंच के। कोशिश बहुत अच्छी करी, कामयाब नहीं सकी। आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस तरह की कोशिश आइंदा मत करना। आप चाहे तो मुझे बंद कर दें। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मलार का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरी छाओ में के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, वदीमा के प्लान के अहम मुताबिक मल्हार काम करना शुरू हो जाता है और वो लोग बहुत ही होशियारी से काम लेते हुए सबसे पहले नसीबन को ख़त्म करने के लिए मशवरा करते हैं और नसीबन को अपना टारगेट बनाते हैं और उसको ख़त्म करने का इरादा कर लेते हैं। फिर इस सिलसिले में वदीमा मल्हार और उसके गैंग की काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है क्योंकि वो एक औरत है और उसको कोई भी नहीं जानता। मल्हार तो इश्तिहारी मुजरिम है और कोई भी उसे आसानी से पहचान लेता है, इसलिए वो मल्हार को एक लाश बताकर लाश वाली गाड़ी में डलवा देते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ताकि वो पुलिस से बचकर नसीबन तक पहुंच सके। फिर रास्ते में कई जगह पर पुलिस की सख्त नाकाबंदी होती है और चेकिंग होती है, लेकिन वदीमा बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करके उनको ये साबित करती है कि ये मेरे शौहर है और इनका इंतकाल हो चुका है इसलिए मैं इनके साथ हूँ। बस पुलिस वाले लाश को देखते भी हैं लेकिन उन्होंने लाश का हुलिया ऐसा बनाया होता है कि पहचान में नहीं आता कि वो मल्हार है। बस आपको क्या लगता है, क्या वदीमा और मल्हार नसीबन को ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।